हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूडी लवर्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची चिकन कटलेट, जो चिकन खाने वालों को बहुत ही टेस्टी और पसंदीदा रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है जिसे मैंने अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इसे अब हम मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। छोटे पीसेस करने की वजह से वो आराम से पिस जाते हैं। मैंने मिक्सर के जार में ले लिया है चिकन को, अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। देखिए चिकन पीस के हो गया है, अच्छे से हमने इसे पीस लिया है। अब हम आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब तेल गरम होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें मैं अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने काट लिया है, इसे भी ऐड करेंगे और हमें इसे अच्छे से भूनना है। 2 मिनट प्याज भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को 2 मिनट प्याज के साथ भूनना है जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट भून जाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल पाउडर 1 चम्मच। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा खाना हो। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, ये आपके स्वाद के अनुसार डालिए। इन सभी मसालों को हम 2 मिनट भून लेंगे। दो मिनट मसाले भून जाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने चिकन को मिक्सर में पीस लिया था, उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके हमें 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है जिससे हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा। अब 15 मिनट के बाद हमारा चिकन देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ठंडा होने देंगे। अब मैंने चिकन को एक बाउल में ले लिया है, ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ पे मैंने 3 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। आलू डालने से हमारी बाइंडिंग कटलेट की अच्छी होगी। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1 प्याज को अच्छे से बारीक काट लिया है, इसे भी हमें इसमें डालना है।
और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च भी काट लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। फिर मैं यहाँ हरा धनिया डाल रही हूँ। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। हमने पहले ऑलरेडी चिकन में नमक डाल चुके हैं तो यहाँ हमें अंदाज से डालना है कि नमक ज्यादा ना हो। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि हमारा कटलेट अच्छी क्रिस्पी बने। हमें सभी पेस्टों को, मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमारे सभी मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे हम ऐसे हाथ में लेके बाइंडिंग करके देखेंगे। अगर अच्छे से गोली बन रही है तो ये पेस्ट सही है। अगर नहीं हो रहा हो तो आप थोड़ा चिकन को मिक्सर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में वो बन जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। यहाँ मैंने अंडों में काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। इसे हम कटलेट के ऊपर कोटिंग करने के लिए लगाएंगे, जिससे कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम चिकन के पेस्ट को ले लेंगे ऐसे हाथ में लेके। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ। आप ऐसे उसे अच्छा गोल शेप देके उसे ऐसे प्रेस कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा हमारा कटलेट हो रहा है। फिर उसे हम ये अंडों के पेस्ट में डिप करेंगे और उसमें हम ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छे से इसे हमें लगाना है जिससे कि हमारे कटलेट अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। देखिए हमारे कटलेट एक मैंने रेडी कर चुकी हूँ। अब ऐसे ही हम सभी कटलेट को रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारे सब कटलेट रेडी हो चुके हैं। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे कटलेट सेट हो चुके हैं, अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख के उसमें ऑयल डाल दी थी, अब वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटलेट डालना स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक साथ बहुत सारा कटलेट नहीं डालना है, नहीं तो वो टूट सकते हैं। नीचे की तरफ अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद उसे हमें पलट देना है। इसे हमें ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट गोल्डन कलर का शेड से फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, बहुत ही क्रिस्पी हमारे कटलेट बन रहे हैं। हमारे कटलेट अच्छे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे कटलेट बने हैं। ऐसे ही हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। हमारे सेकेंड बैच के भी कटलेट फ्राई हो चुके हैं, इसे भी मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ।
देखिए कितना गोल्डन और क्रिस्पी लग रहा है। हमारे सभी कटलेट रेडी हो चुके हैं, देखिए कितना यमी दिख रहा है। अब इसे हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे कटलेट बन चुके हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।